बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रियल इस्टेट के चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम है अरसलान मजीद और आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ जो कि है अवेलेबल फ़ॉर सेल, वो है नाजमाबाद 5 नंबर 5D के एरिए में। बेसिकली 2 बेड लाउंज का ये सब लीज फ्लैट अवेलेबल है फ़ॉर सेल, फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट साइड का, नाजमाबाद 5 नंबर पे है ये। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो हजरात मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखें, और जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने फ्लैट की तरफ। बिल्कुल ये आपके सामने है, वाहिद एक ही एंट्रेंस जो कि यहाँ से शुरू है। बिल्कुल बिल्डिंग का जो स्टेयर्स है, सबसे पहला गेट ही इस फ्लैट का है और सबलीज़ हुआ हुआ है। सबलीज़ की डेट इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से 2012-2013 का सबलीज़ फ्लैट है ये, और 2 बेड लॉन्च की प्लानिंग पे बना हुआ है। रेंट आउट ये किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन 4 साल पहले मैंने इसी फ्लैट की वीडियो अपलोड की थी और इसको सेल किया था। तो जिन हजरात को सेल किया था उन्होंने इसको रेंट आउट किया था, और अब रेंट आउट से खाली करवाने के बाद किराएदार से ये अब सेल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द पार्टी इसकी लग जाएगी, क्योंकि छोटा फ्लैट है, सबसे इम्पोर्टेंट छोटा फ्लैट है, रीज़नेबल प्राइस में है, नाजमाबाद 5 नंबर 5D के एरिए में, फर्स्ट फ्लोर फ्रंट, और सबसे अच्छी बात सबलीज़ हुआ हुआ है। तकरीबन सबलीज़ इसकी हुई है 2012-2013 की, एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है लेकिन अंदाजन डेट सबलीज़ की यही है। और बिल्कुल आपके सामने है ये इसका लॉन्च, सामने इसका किचन एरिया है। किराए पे खाली करवाने के बाद थोड़ा सा ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जो भी खरीदेगा तो उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, मतलब एक डीपली रेनोवेशन तो नहीं लेकिन कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किचन की थोड़ी बहुत डेंटिंग बेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिसाब से तो कोई भी परचेस करेगा तो वो तो करवाएगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं भी करवाते हैं तो इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, अच्छा साफ़ सुथरा है। अगर इसको इसी कंडीशन पे रेंट आउट भी करना चाहें तो बा आसानी हो जाएगा। ये तकरीबन 22,000 रुपये में खाली हुआ है, और आज कल की वैल्यू अगर पूछें तो ये 22-23 ही ऑलमोस्ट हैं। मैं बिलावजह ज़्यादा क्यों बताऊं, तो ऑलमोस्ट यही वैल्यूएशन है। और ये आपने देखा पूरा इसका लॉन्च और किचन एरिया, ये इसके दोनों बेडरूम हैं, फ्रंट साइड की तरफ इसकी गैलरी है, दोनों अटैच वॉशरूम है, जहाँ से गैलरी का रास्ता दिया हुआ है। सबसे पहले ये वाला बेडरूम देख लेते हैं, स्टैंडर्ड 4 सीलिंग हुई हुई है, क्योंकि पुराने टाइम पे यानी कि लाइक कोई 8-10 साल पहले इतनी फैंसी 4 सीलिंग का ट्रेंड नहीं था, तो ये उस हिसाब से हुई हुई है जो कि लाइफ टाइम है ये वाली 4 सीलिंग। कमरे का साइज़ भी अच्छे हैं, अगर मैं अंदाज़ा आपको बताना चाहूँ तो तकरीबन 12x13 या 14 का इसका रूम साइज़ है। इस तरह की अगर मैं डेप्थ कहूँ, चौड़ान कहूँ तो 12 है, और लंबाई इसकी तकरीबन 13 से 14 है। सामने इसकी गैलरी है और ये इसका वॉशरूम। पानी की सिचुएशन ऐसी है बिल्डिंग में कि बिल्डिंग में बोरिंग हुई हुई है और वाटर बोर्ड का पानी यहाँ पे 1 से 2 दिन भी छोड़ के आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजारा है। किराए पे भी हम ही नहीं दिया हुआ था किराएदार की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आई। हाँ, किराएदार को टंकी वगैरह लगवा के हमने ज़रूर दी थी। बिल्कुल ही आपके सामने टंकी लगी हुई है कि जाके उनको परेशानी ना हो, अदरवाइज़ पानी की कोई टेंशन नहीं है, लोड शेडिंग यहाँ पर होती नहीं है, और गैस का बिल्कुल वैसा ही है जो अभी पूरा कराची पाकिस्तान भुगत रहा है। ये इसकी गैलरी, एक नज़र व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका व्यू है, फ्रंट का फ्लैट है ये, कोई बैक का फ्लैट नहीं है कि इसकी गंदी गली की तरफ गैलरी हो। बहुत ही मुनासिब डिमांड कर रहे हैं सब लीज़, हुआ हुआ है 2 बेड लॉन्च का, फर्स्ट फ्लोर फ्रंट साइड पर। रेट आप इसके मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं,
कमेंट्स करके अपना ही टाइम ज़ाया करेंगे कि कमेंट्स में पूछें प्राइस क्या है। अकाउंट ही लॉगिन मैं सिर्फ तभी करता हूँ जब मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी होती है, तो कमेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें कि दिए गए नंबर पर रابطہ करें, अगर रेट भी जानने हों, अगर उसमें शर्मा शर्मी होती है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दोनों ही नंबर मेरे व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। डिटेल के साथ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एकदम एक एक चीज़ फोकस करके बनाया करो, जाके प्रॉपरली हम घर बैठे बैठे तकरीबन 90% घर को विज़िट कर लें। यहाँ पे भी टंकी लगा के लगाई हुई है और एक WC है, एक कमोड है, बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देखिए आपने कंप्लीट वीडियो वैसे तो मुख्तसर से ही बनी है, फ्लैट भी छोटा सा ही है, तो 2 मिनट की भी वीडियो बहुत थी, लेकिन डिटेल के साथ बनाना आप लोगों की ही फरमाइश है। ज़्यादातर तो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 2 मिनट की वीडियो को इसने 5 मिनट खींच दिया पकाया है, लेकिन उनको साइड में कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो लोगों की रिक्वेस्ट ये आती है कि डिटेल वाइज बनाया करें, ईच एंड एवरी पार्ट आप दिखाया करें। तो ये है वेंटिलेशन डक किचन की। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, कीमत जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, नहीं ईजी हो रहा तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। दिया गया नंबर कॉल पर भी अवेलेबल है और व्हाट्सअप पर भी अवेलेबल है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।